स्वामी जी ओम। मेरी उम्र उस टाइम 27 साल की थी जब मेरा यू ट्रस्ट हुआ और मैं गन्ना लेकर आई थी, सूखा गन्ना, और चौखट के अंदर अड़ गया, ऐसे झुकी और मैंने वो अड़ गया और मैंने खूब जोर लगाया तो मेरा यू ट्रस्ट डिग गया। ऐसे चलती थी तो मेरे कपड़े भी गीले हो जाते थे और मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, मुझे डर लग गया कि ये तुम्हें उधेड़ कर घेर देंगे। और मैं चलती रही और 27 साल की उम्र में बोले कि आप 40 साल के हो जाओगे जब आपका ये ऑपरेशन बनेगा। ये यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। और वो गांव में जो है ये वजन उठाने वाला काम तो रहता ही है, वो गन्ना घना उठा लिया और उसमें प्रेशर पड़ा और वो गड़बड़ हो गई। और एक जेठ का लड़का आया, वो कहने लगा चाची जी एक बाबा आता है टीवी के ऊपर, आप उसका योग देखो। मैंने योग देखा और मेरी 11 बजे आँख खुल जाती, तो मैं 11 बजे लग जाती, 1 बजे खुलती तो 1 बजे लग जाती, 2 बजे लग जाती, मैंने कोई टाइम नहीं देखा। क्यों? दिन में मुझको काम था पशुओं का और मैंने अपना ऐसा शरीर जमा लिया जैसे जन्म देने वाले बच्चे का होता। ये बात जोरदार कही माने कि ऐसा शरीर जमा लिया जैसे जन्म लेने वाले बच्चे का होता है, दूसरा जन्म पा लिया। ये रोहतक की माता जी है, कितनी उम्र होगी माँ थारी? 58 साल जी। 58 साल की माँ होगी। लो तो ये बहुत महिलाओं को होती है प्रॉब्लम। और मैं ज्यादा ये नहीं करा, कपाल भारती, लोम विलोम, ऐसे ये छोटे छोटे आसन होते हैं यही किए हैं और ज्यादा टेढ़े मेढ़े आसन मुझे नहीं होते हैं, लेकिन कपाल भारती, लोम विलोम, ये छोटे करे, इसमें बहुत निरोग रहते। लो ये बात मैंने जोरदार कही कि ये ज्यादा टेढ़े मेढ़े आसन में तो ना बनते, मैं तो अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम, पेट खींचने वाले छोटे छोटे कर ले देख दे। मुझे कभी जल्दी ही बुखार नहीं आया आपने 18 साल से। लो जब से करने लगी तब से 18 साल से एक बार भी बुखार नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे जवान बीमार पड़ते रहते हैं। लो 18 साल से मान के नाम है माँ? सुशीला। सुशीला, सुशीला के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। कितने पढ़ी लिखी सा माँ? कितनी पढ़ी लिखी सा? मैं जी? हाँ। 10। 10 पढ़ी लिखी। और मुझे, मैं ये वैदिक संध्या आती है, मैं 5 साल गुरुकुल में गई हूँ और आर्यों की लड़की हूँ। क्या गुरुकुल में कहाँ गई थी? क्या जी? गुरुकुल में कहाँ पढ़ी थी? जुलाना गुरुकुल है, शादीपुर, स्वामी सत्यवेश जी रहते थे। लो ये आर्य समाज का बड़ा प्रभाव रहा ना, और वहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले काम पोती का आर्य समाज ने किया। 6 तारीख का पोती का जन्म, 6 मार्च का, और मैंने यहाँ से अवन श्याम करी और अवन का ये पूरा किट खरीदा है गिफ्ट के लिए। ये ठीक है कि अपनी बच्ची पोती का जन्मदिन है तो उसको गिफ्ट में हवन कुंड दूंगी कि बेटा हवन कर है? और खुद संध्या हवन करती है माता। सुशीला के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसी माताएं होनी चाहिए हिम्मत वाली। तो ये जो हिम्मत है ना, ये हौसला है ना। यदि कभी वहाँ गांव में अमन नहीं करते थे, जब वो 2 बच्चे हुए बोले यहाँ ऐसे कैसे निकलेगा, ये सूतक पातक बोलते हैं अमन के वगैरह, बोले यहाँ पंडित नहीं है, मखा लकड़ी लाओ और मैं करके दिखाती हूँ। ये लो बोले यहाँ अमन, यहाँ अमन वन नहीं होता। पूरे पूरे गांव में कोई भी कोई शुभ कार्य होता है तो अमन अमन करके होता है। ये माता ने शुरू कर दिया ना। अब सुशीला ने पूरे गांव में कोई भी शुभ कार्य होता है या कभी सूतक होता है, कभी किसी की श्रद्धांजलि होती है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई भी बात होती है तो हवन से करते हैं। क्या बात, माँ जोरदार काम कर दियो तुमने, जोरदार। एक बार वो चौपाल बोलते हैं, परस बोलते हैं हमारे अंदर, वहाँ हवन हो रहा था और पंडित नहीं आ पाए, उनको कोई इमरजेंसी होगी, वो बड़े 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 बुजुर्ग बैठे थे, हमें घूंघट में रखना पड़ता है। वो कहने लगे भैया पंडित आए नहीं, हवन कौन करेगा? मैं बोल जी आपको सहमत होता है हवन मैं कर देती हूँ, घूंघट निकाल के कर दिया। हाँ मैंने हवन कर दिया, मेरे पास पंडित ना आया तो पंडित का काम भी कर दिया। ये जोरदार काम सुशीला माता थारो है। चलो बहुत बहुत प्रणाम माँ।